कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बेवक्त मौत को भी बदल देते हैं। इतना खून देख के लगता है इसे बड़ी बेरहमी से मारा है। सर, ये खून उसका नहीं। अर्जुन रेड्डी करेंगे एंट्री केजीएफ के तीसरे पार्ट में, कौन होगा हीरो। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है रोहित नारवारा और आपका स्वागत है बॉलीग्रैड स्टूडियोज की एक और नई वीडियो में। आज हम बात कर रहे हैं मशहूर फिल्म सीरीज केजीएफ की। केजीएफ के नाम से मशहूर इस फिल्म का पूरा नाम है कॉलर गोल्ड फील्ड्स केजीएफ चैप्टर 1 बाहुबली फ्रेंचाइजी, और 2.0 के बाद चौथी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली हिंदी डब फिल्म बन गई है। रिलीज होने पर इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा दिया था। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर 100, 200, 250 करोड़ रुपए की कमाई करने वाली पहली कन्नड़ फिल्म बनी। इस फिल्म की हाइप इतनी ज्यादा है कि हर एक्टर चाहता है कि वो किसी तरह इस सक्सेसफुल फिल्म फ्रेंचाइजी का हिस्सा बन पाए, क्योंकि सब जानते हैं कि इस फिल्म की फ्रेंचाइजी का हर पार्ट एक हिट फिल्म होने वाला है, और इसलिए इस फिल्म का पार्ट होना हर किसी एक्टर के करियर के लिए एक गोल्डन चांस हो सकता है। कुछ ऐसी ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी को लेना चाहते हैं साउथ फिल्म इंडस्ट्री के और बड़े हिट हीरो। तो कौन है ये हीरो, चलिए हम आपको बताते हैं। एक रोमांटिक यंग मैन के रूप में अपने किरदारों के लिए फेमस विजय देवरकोंडा ने ब्लॉकबस्टर अर्जुन रेड्डी में अपने किरदार के लिए फेम पाया था, जो फिल्म 2019 में एक बहुत बड़ा हिट टॉपिक थी। विजय ने अब केजीएफ 3 का हिस्सा बनने की इच्छा व्यक्त की। यश की लीड भूमिका वाली केजीएफ साउथ में ही नहीं बल्कि देश भर में एक फेमस फ्रेंचाइजी फिल्म बन गई है। इस सीरीज की दूसरी किस्त भी रिलीज के लिए तैयार है। फिल्म की रिलीज या प्रमोशन से पहले विजय देवरकोंडा ने कहा कि वो केजीएफ के निर्देशक प्रशांत नील के साथ केजीएफ 3 का सीक्रेट प्लान बनाएंगे। एक अवार्ड शो में जब इस बात के बारे में पूछा गया कि क्या विजय देवरकोंडा यश से चोरी करना पसंद करेंगे, तो हमारे अर्जुन रेड्डी ने केजीएफ के निर्देशक प्रशांत नील का नाम लिया। उन्होंने आगे मजाक में कहा, मैं उनके साथ केजीएफ 3 का एक टॉप सीक्रेट प्लान बना सकता हूँ। आपको बता दे कि यश ने डियर कॉमरेड के लिए विजय देवरकोंडे के दौरे का सपोर्ट किया था, जो तब हुआ जब उनके बीच का रिश्ता पब्लिक हो गया था। इसका मतलब हो सकता है कि केजीएफ 2 में भी हमें अर्जुन रेड्डी और रॉकी भाई का कोलैबोरेशन दिख सकता है। आपको बता दे कि केजीएफ 2 फिल्म को काफी बड़े लेवल पर बनाया गया है और इस फिल्म के लिए अभी से ही लोगों के बीच भारी एक्साइटमेंट है। अब ये फिल्म जब भी थिएटर्स में आएगी क्या धमाका होगा, ये तो फिल्म रिलीज होने के बाद ही पता चलेगा। अब हम तो इस फिल्म को देखने के लिए काफी एक्साइटेड हैं। और आप बताइए हमें कमेंट सेक्शन में। मैं रोहित नारवारा लेता हूँ आपसे इजाजत, तब तक आप हमारी इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करना ना भूलें, और अपने पसंदीदा एक्टर्स और फिल्मों के बारे में लेटेस्ट खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।